भोले जी की सभी भक्तजनों को ओम नमः शिवाय। आइए भक्तजनों जानते हैं भगवान शिव को अति प्रिय सोमवार व्रत के महत्व एवं विधि के बारे में। सोमवार का व्रत चैत्र वैसाख श्रावण मार्गशीर्ष तथा कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। श्रावण मास में सोमवार का व्रत करने का अधिक महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को सोमवार और आद्रा नक्षत्र हो तो उस दिन से सोमवार का व्रत आरंभ करना अति शुभकारी होता है। ग्रहण में हवन पूजा अर्चना व दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, ग्रंथों पुराणों के अनुसार सोमवार का व्रत करने वाले को वैसा ही शुभ फल मिलता है। चैत्र मास में सोमवार का व्रत करने से गंगा स्नान के समान, वैशाख मास में कन्यादान के समान, ज्येष्ठ मास में पुष्कर में स्नान करने के समान, आषाढ़ मास में यज्ञ फल के समान, श्रावण में अश्वमेध यज्ञ के समान, भाद्रपद मास में गौदान के समान, आश्विन मास में सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के सरोवर में स्नान करने के समान तथा कार्तिक में ज्ञानी ब्राह्मणों को दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष में व्रत करने से स्त्री पुरुषों को चंद्र ग्रहण कद समय काशी में गंगा स्नान करने के समान, माघास में व्रत करने से दूध व गन्ने के रस से स्नान करके ब्रह्मा जी की पूजा करने के समान तथा फागुन मास में गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक किया जाता है। व्रत में फलाहार या फलों का रस आदि पीने पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन में केवल एक ही समय भोजन किया जाए। सोमवार के व्रत तीन प्रकार से किए जाते हैं, प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष तथा 16 सोमवार। तीनों की पूजा विधि एक जैसी ही है। शंकर भगवान जी तथा माता पार्वती जी के पूजन के पश्चात सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए। प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार तीनों की कथाएं अलग अलग है। सोमवार व्रत की पूजन विधि एवं कथा से जुड़ी इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको प्रति सोमवार व्रत की कथा के बारे में बताएंगे। इस वीडियो के अगले भागों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। भोलेनाथ जी सदैव आप सभी पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। जय भोले जी की।